रिजर्व पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में बृहस्पतिवार को एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में खजनी सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते का चल रहा 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के तीसरे और समापन के दिन एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा द्वारा शेरनी दस्ते को कानून की बारीकियों मर्यादाओं सहित आत्मरक्षा के लिए भी प्रशिक्षित किया गया, जिससे शेरनी दस्ता समाज में बेहतर समन्वय स्थापित कर पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने और अराजक तत्वों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए अपनी भूमिका निभा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन पर बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, तो आप प्रशिक्षित कुशल काउंसलर द्वारा उनकी मनोदशा में सुधार करने के लिए एक परामर्श सत्र का सक्षम करना है, तो व्यवसायिक प्रशिक्षण का भी प्रावधान है। अब जैसे कोई महिला आपके पास आ गई जो एचआईवी से संक्रमित है, काउंसलिंग सेशन चल रहा था, बीच में उनका उभर कर आया, तो उसको सदर अस्पताल के निर्देशानुसार जनपद श्रेणी का गठन किया गया है और ये मुख्यमंत्री जी द्वारा 6 जुलाई का इसका उद्घाटन भी किया गया फ्लैग ऑफ करके। तो श्रेणी दस्ता में एक सभी थानों को थाने की आवश्यकता अनुसार उनके क्षेत्रों के अनुसार उनकी सुविधा के अनुसार ये स्कूटी का वितरण किया गया है और सभी थानों में श्रेणी दस्ता अपना बना जनपद स्तर पर है, थाने स्तर पर है, उनकी नियुक्ति हुई है कि अपने क्षेत्र में भ्रमण से जा करके ये महिला समाज मामलों का निगरानी करेंगे, देखभाल करेंगे गश्त के दौरान, जैसे भी हो महिला की सुरक्षा के लिए श्रेणी दस्ता का गठन हुआ है। तो ये श्रेणी दस्ता इनको अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी हो, जो दायित्व है किनके भी क्या कार्य निर्धारित किया गया है, क्योंकि एक महिला आरक्षी अभी नए बैच की है तो अभी इनको बहुत कुछ व्यवहारिक जानकारी देना आवश्यक है।
उसी व्यवहारिक प्रशिक्षण के तौर पर तो तीन तीन दिन का प्रशिक्षण सर्किल वाइज किया गया है। तो 20 तारीख चालू हुआ, 20, 21, 22 कोतवाली कैंप सर्किल का, उसी तरह से 23, 24, 25 ये कोतवाली सर्किल का। तो आज ये जो छठवां सर्किल था खजनी सर्किल का आज प्रशिक्षण चल रहा था, और तो आज खजनी सर्किल प्रशिक्षण समाप्त हुआ, तीन तीन दिन का है। अभी तो सर्किल से पूछे हैं, तो इसमें आज जो सत्र था मेरे अध्यक्षता में, इसमें महिला एनजीओ से वार्ता एवं उससे चर्चा कि महिला एनजीओ की भूमिका क्या हो सकती है, इस तरह से महिला एनजीओ की श्रेणी दस्ता के सहयोग में आ सकती है, क्या सहयोग हम लोग एनजीओ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये नए दर्ज की महिला आरक्षीगण है, तो अभी बहुत कुछ व्यवहार जानकारी इनके कर्तव्य बोध दिलाना है, और इनको श्रेणी बतौर श्रेणी दस्ता इनको करना क्या है, इनकी हौसला अफजाई, इनको चीजों की जानकारी और इनका मनोबल ऊंचा करना है, इनका इनके उत्साह अच्छा रहे, तो बहुत विभिन्न एनजीओ के अलावा भी और छोटी छोटी जानकारियां क्या क्या चुनौतियां आती है पुलिस के सामने। अभी जब अपना क्षेत्र में रहेंगे तो ये एक चीज ये है कि कोई हम किसी पॉइंट में हमारी महिला श्रेणी दस्ता किसी पॉइंट में किसी भ्रमशील है अपना ये दस्त कर रही है, तो ऐसा भी होता है कि लोग हेल्प लिए सहायता के सामने आती हैं, कभी कभी परिस्थितियां ये होती है कि कुछ आवश्यकता होती है लेकिन कैसे कारणों से वो अपनी बात ये सामने नहीं आते, तो वही आज मैंने इनको बताया कि देखिए अब ऐसा ना हो कि आप समस्या इंतजार करें, समस्या आपके सामने आए, आपसे निवेदन करें, आपसे मदद मांगे, लेकिन श्रेणी दस्ता की सफलता और उनकी सार्थकता तभी है जब आप अपने आप में इतना दक्ष हो जाएं कि अगर क्षेत्र में है, अगर वहां आपको यह भास हो, जानकारी हो, आप इतना अनुमान लगा सकें कि फला को मेरी आवश्यकता है, मेरी फला महिला को फला लड़की को मेरी आवश्यकता हो सकती है, तो अगर इसको परखने में हम लोग सफल हो जाएंगे तो समझिए दस्ता का सार्थकता है। यही सब व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया खजनी सर्किल को आज, और ये जो महिला एनजीओ से एक संगीता प्रकाश त्रिपाठी मैडम है, ये फैमिली कोर्ट में काउंसलर हैं, और ये एनजीओ से संबंधित है और इनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है बतौर एनजीओ और फैमिली कोर्ट में काउंसलिंग करती हैं, तो चूंकि महिला है और ये हमारी शिक्षु में महिला थी तो बहुत ढेर सारी तो महिला संबंधी मामले होते हैं, तो एक महिला एक और अच्छा चीजें बताने में ये सक्षम होती हैं, तो यही सब था प्रशिक्षण में।